Hi, welcome to my channel. This video will solve the question number 1. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 6 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm. Means 3 sides of this quadrilateral are given and angle B is also given 95 degree and angle C is equal to 90 degree. Means 2 included angles are also given. तो जब आपको थ्री साइड्स दिया हो और इन थ्री साइड्स के बीच में जो एंगल्स होते हैं इंक्लूडेड एंगल्स यदि वो भी दे दिया है तो आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को. सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट. तो आप जो है इन तीनों साइड्स में से किसी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो हम पहले 6 सेंटीमीटर का ए बी लेंथ ड्रा करते हैं स्केल के हेल्प से. ओके तो हमने ए बी लेंथ ड्रा कर लिया है 6 सेंटीमीटर की साइड. जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एंगल 95 है, सो बी पर हम 95 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो आप देख रहे होंगे कि आपकी साइड जो है बी ए इस साइड से है, लेफ्ट साइड में ड्रा किया गया है इस सेंटर से. हम नीचे वाले स्केल का यूज़ करेंगे. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 95 यहाँ पर है. तो इस पर है एक हम पॉइंट लगा देंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं 95 डिग्री एंगल पर हमने पॉइंट लगा लिया है. तो अब हम बी पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे. ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रा कर लिया. अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन में जो बी एक्स, यहां पर हम इस लाइन को दे सकते हैं बी एक्स, यहां पर दे सकते हैं बी एक्स. अब बी एक्स को हम कट करेंगे 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे बी को सेंटर मान करके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बी से लेकर के सी तक हमें ड्रा करना है, हमें सी पॉइंट फाइंड करना है. सी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना होगा और बी को सेंटर मानना होगा. चलिए हम एक आर्क खींचते हैं 4 सेंटीमीटर का. तो हमने एक आर्क खींच लिया है बी एक्स पर और हमें पॉइंट जो मिला है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का, इंटरसेक्शन का, वो आपका सी पॉइंट है. तो हम इसको सी यहाँ पर डिनोट कर देंगे. अब हमें क्या करना है कि सी पॉइंट पर एंगल बनाना है 90 डिग्री का. ठीक है, तो हमने सेंटर को सी पर रख लिया है और आपको जो है यहाँ पर सी पर एंगल बनाना है इधर से. ठीक है, आपको नीचे से ऊपर जाना है ना, क्योंकि एंगल बनाना है 90 डिग्री, तो नीचे से ऊपर जाना है, इसलिए हम नीचे वाले स्केल का यूज करेंगे. तो 10, 20, 30, 40, 90 तक. तो 90 पर हम एक पॉइंट ले लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि हमने 90 पर एक पॉइंट बना लिया है. अब हम ज्वाइन कर देंगे सी को उस पॉइंट से होते हुए, एक मतलब लाइन ड्रा कर देंगे सी वाई. ठीक है, सी वाई उसका नाम रहेगा उस लाइन का. तो लेट अस ड्रा. हमने यहां पर एक लाइन खींच लिया सी वाई, हम इसको लिख देंगे सी वाई. तो सी वाई लेंथ हमने ड्रा किया है 90 डिग्री एंगल पर बी सी पर. ठीक है, तो ये आपका जो एंगल हो गया ये आपका है 90 डिग्री और ये जो एंगल था कितना बना था 95, इसको भी लिख दीजिए 95 डिग्री. अब देखिए सी को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक दूसरा आर्क खींचेंगे जो यहां पर इंटरसेक्ट करेगा. तो हमने एक 4 सेंटीमीटर का यहां पर आर्क खींच लिया है और आपको जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको डी. तो हम यहां पर डिनोट कर लेंगे डी पॉइंट. अब सिंपली करना क्या है, ए से डी को हम ज्वाइन कर देंगे, मीन्स ज्वाइनिंग ए डी. तो हमने जब ज्वाइन कर दिया ए डी को तो मिल गया है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल और दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल विच यू आर टू कंस्ट्रक्ट. तो यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था जो कि बन चुका है. यदि आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा जरूर और मुझे शेयर करिएगा. और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जरूर कमेंट करिए. और यदि आप किसी नए एक्सरसाइज पर वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मुझे बताइए. किसी बुक पर चाहते हैं किसी बुक का सोल्यूशन तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.